नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के इस रिपोर्ट में बात करेंगे उस एक्ट्रेस के बारे में जिसके लिए एक ब्राह्मण परिवार के दो लोगों ने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया और उनसे शादी की। हालांकि शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। बताते चले कि नरगिस की माँ और संजय दत्त की नानी चंदन बाई का जन्म इलाहाबाद के कोठे पर हुआ था और मशहूर तवायफ दलीपा बाई उनकी माँ थी। माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए जद्दन बाई ने भी गजलें गाई और ठुमके लगाने शुरू कर दिए। जद्दन बाई की आवाज़ में अलग ही खनक थी। उनको सुनने के लिए आए दो ब्राह्मण परिवार के नौजवानों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। उन्हें सुनने पहुंचे ब्राह्मण परिवार के नरोत्तम ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूला और उसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ जिनका नाम अख्तर हुसैन था। कुछ सालों बाद ही नरोत्तम ने उन्हें छोड़ दिया और कहीं लौट के चले गए। हालांकि इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन उस समय वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। फिर लखनऊ में रईस मोहन बाबू ने अब्दुल राशिद बनकर जद्दन बाई के साथ शादी की, जिसके बाद उनकी बेटी हुई। बेटी का नाम रखा गया नरगिस। बॉलीवुड में आज भी नरगिस को याद किया जाता है। बता दें कि उस समय नरगिस अपने युग की काफ़ी मशहूर अभिनेत्री मानी जाती थी। नरगिस संजय दत्त की माँ है। आज भी बॉलीवुड में नरगिस को याद किया जाता है। हालांकि नरगिस की माँ की ये कहानी हर किसी को कम ही पता होगी।